फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि नई रेसिपीज़ आपको फ़ौरन मिल जाएं। आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिबास किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ चिली फ्राइड राइस। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, थोड़े चटपटे से होते हैं, तो इसके लिए मैंने ये 5 कप उबले हुए चावल लिए हैं। इन्हें पहले से ही मैंने उबाल लिया है, थोड़ा सा नमक डाल के जिस तरह से नॉर्मल चावल उबाले जाते हैं बिल्कुल उसी तरह से ये अच्छे से देखिए मैश हो रहे हैं। इस तरह से फ्राइड राइस बनाने के लिए कभी भी आप फ्राइड राइस बनाए ना, तो चावल को पहले से ही उबाल लें उससे और ठंडा कर लें। उससे क्या होता है कि चावल जब सब चीज़ों के साथ मिक्स करे जाते हैं तो वो टूटते नहीं हैं। और अगर आपके पास डिनर के या लंच के टाइम के कोई राइस बच गए हैं तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी टेस्टी ये राइस बनते हैं। और इसके लिए मैंने ये चिकन लिया है। चिकन जो लिया मैंने 1 कप लिया है पूरा, और इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। चिकन आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो बिना चिकन के भी इसे बना सकते हैं। तो चिकन में मैं ऐड कर रही हूँ कुछ मसाले। चिकन में सबसे पहले ऐड कर रही हूँ मैं काली मिर्च का पाउडर। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने 1/4 टीस्पून लिया है, 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ये काली मिर्च का पाउडर लिया है। और साथ ही में इसमें ऐड कर रही हूँ सोया सॉस, करीब 1 टीस्पून तक ले लें और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। इसे एक साइड में रख देंगे। चिकन में भी अच्छे से चिली का टेस्ट आ जाएगा और जो सोया सॉस डाला है उसका भी टेस्ट आ जाएगा। इसमें मैंने नमक ऐड नहीं किया क्योंकि जो सोया सॉस डाला है उसमें भी नमक होता है। तो अब इसे एक साइड में रख देते हैं। और ये लिए 2 एग्स, इसमें भी हम ऐड करेंगे करीब 1/2 टीस्पून तक सोया सॉस और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। इसे अच्छे से बीट कर लें। तो ये देखिए, इसमें सोया सॉस और जो ब्लैक पेपर पाउडर लिया था वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसमें भी मैंने नमक ऐड नहीं किया क्योंकि इसमें सोया सॉस डालना है। और जो चावल उबाले हैं उसमें भी मैंने नमक डाल के ही उबाला है, तो इसमें नमक डालते वक्त ध्यान रखें क्योंकि जो सॉस ऐड करते हैं हम लोग इसमें, तो उसमें सब में सॉल्ट होता है। और ये मैंने लिया है 2 टेबल स्पून हॉट चिली सॉस। अच्छे से स्पाइसी है ये। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 लेमन। जो 1 लेमन लिया मैंने उसका जूस ऐड कर रही हूँ। मैंने छोटे साइज का 1 लेमन लिया, उसका जूस ऐड कर रही हूँ। करीब आप इसमें 1 टेबल स्पून तक लेमन का जूस ऐड कर दें। इसका ये सॉस बना के रख लेंगे, फिर सब चीज़ें आसानी से बन जाती हैं। अगर आपके पास उबले हुए राइस रखे हैं तो ये बहुत जल्दी से बन जाते हैं। और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1/2 टीस्पून शक्कर। शक्कर इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि जो हॉट चिली सॉस लिया है उसमें विनेगर होता है और इसमें लेमन भी यूज़ किया, तो इससे जो है बैलेंस रहेगा, ज़्यादा खट्टे नहीं होंगे राइस। तो बस ये सब चीज़ें रेडी हो गई, अब राइस बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में ऐड करी मैं ऑयल। ऑयल में ऐड करी 3 टेबल स्पून। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें ऐड करेंगे गार्लिक। ये मैंने 3 कलियां लहसुन की ली हैं, इन्हें बारीक बारीक चॉप कर लिया है, इसे इसमें ऐड कर देंगे। और ये मैंने ली है 1 छोटे साइज की प्याज, इसे भी बारीक चॉप किया है, इसे भी साथ में ही ऐड कर देंगे। हमें प्याज और लहसुन का कलर नहीं चेंज करना है, बस इन्हें हल्का सॉफ्ट करना है और इनकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए, बस इतना पकाना है। तो ये देखिए, लहसुन और प्याज सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं ग्रीन चिली। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की ग्रीन चिली है ली है, इन्हें बारीक चॉप कर लिया, इसे भी इसमें ऐड कर लेंगे कुछ सेकंड के लिए, इसे भी इसमें पका लेंगे। चिली फ्राइड राइस है तो इसमें चिली का यूज़ ज़्यादा होगा, तो ही ये थोड़े स्पाइसी से रहेंगे। अगर आप कम स्पाइसी खाते हैं तो इसमें चिली की क्वान्टिटी अपने हिसाब से कम कर लें थोड़ा। तो ये देखिए, मैंने करीब 25 से 30 सेकंड के लिए चिली डालने के बाद भी इसे पका लिया है, और फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा है। अगर हाई फ्लेम पे कर देंगे तो सब चीज़ें जो है एकदम से जल जाएंगी। अब इसमें ऐड कर देंगे चिकन। अब चिकन को हमें इसमें पका लेना है। बोनलेस चिकन है, बहुत जल्दी गल जाता है जब राइस के साथ भी फ्राई होगा,
ये सब चीज़ों के साथ मिलकर अच्छे से गल भी जाएगा। अभी हम थोड़े से टाइम के लिए इसे पकाएंगे, करीब 4 से 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए चिकन को मैंने करीब 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लिया है, जिसे इस तरह से एक साइड में कर देंगे और अब इसमें ऐड कर देंगे जो हमने एक बीट करके रखे थे उन्हें ऐड कर देंगे। साइड में चिकन कुक होता रहेगा और ये जो एग है इसे भी हम कुक कर लेते हैं। और फ्लेम को थोड़ा मैंने स्लो कर दिया है, थोड़ा सा एक पक जाए उसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे। इसी के लिए हमें छोटे छोटे पीसेस बना लेना है। इस तरह से कर ले। तो ये देखिए जो एक डाला था वो भी इसमें पक गया है, इसके छोटे छोटे पीसेस हो गए। हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये राइस जो है फ्राइड राइस बहुत जल्दी बन जाते हैं, टाइम नहीं लगता है इसे बनने में। अगर आपके पास राइस उबले हुए रखे हुए हैं तो झटपट से बन जाते हैं, और अगर एक्स्ट्रा राइस आपके आपने बनाए हो वो बच गए हैं तो एकदम डिफरेंट टेस्ट के ये राइस बनते हैं उससे अगर आप बनाए। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, ये मैंने स्प्रिंग अनियन ली थी, जो हरी वाली प्याज होती वो ली थी, उसका जो ये व्हाइट पार्ट होता है उसे ऐड कर देंगे। ये करीब 2 बल्ब है उसके, थोड़ा सा ऐड करेंगे और थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन हम रख लेंगे बाद में गार्निशिंग के लिए। और साथ ही मैं ऐड करूँगी मैं इसमें शिमला मिर्च, ये मैंने छोटे साइज की शिमला मिर्च ली थी उसे ऐड कर देंगे। इसमें अपनी पसंद से आप चाहें तो कैरेट भी यूज़ कर सकते हैं और बाकी की जो भी आपको वेजिटेबल पसंद है वो भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। मशरूम है, कैरेट है, स्वीट कॉर्न है, वो अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। इसे करीब 1 से 2 मिनट तक किसी तरह से पका लें। फ्लेम को मैंने हाई पे रखा हुआ है। तो ये देखिए सब अच्छे से पक गया है। इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। अब मैंने चेक किया चिकन गल चुका है, बहुत थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करें जो वेजिटेबल्स है उसके हिसाब से, करीब 1/4 टीस्पून तक ऐड कर लें। और अब इसमें ऐड कर देंगे राइस। ये जो राइस थे इन्हें हम इसमें ऐड कर देंगे। और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। और देखिए फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया है, स्लो फ्लेम पे ही इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। और इसमें ऐड कर देंगे सॉस, जो हमने पहले सॉस रेडी किया था उसे ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आ जाएगा। और थोड़ी सी जो स्प्रिंग अनियन है उसे भी और ऐड कर देंगे। और थोड़ी सी इसमें ऐड करने जा रही हूँ मैं काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा 1/4 टीस्पून तक ऐड किया बस, ज़्यादा नहीं। और सबको एक बार और अच्छे से मिक्स कर दें। और देखिए कितने अच्छे दिखने लगे, बहुत ही टेस्टी ये राइस बनते हैं। आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करें। और फ्रेंड्स आप मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और डिफरेंट स्टाइल की रेसिपीज़ लाती हूँ। तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही में मेरे वीडियोज़ को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते रहें और मेरे वीडियोज़ को लाइक भी किया करें। तो ये देखिए अब इसे मैं रख देती हूँ करीब 2 से 3 मिनट के लिए दम पे। अब इसे दम पे रखेंगे। दम पे रखने से पहले एक बार इसका थोड़ा सा नमक चेक कर लें, अगर कम लग रहा है तो इसमें ऐड कर दें। मैंने थोड़ा चेक किया था इसमें नमक कम लग रहा था थोड़ा सा, तो मैं करीब 1/4 टीस्पून तक नमक और ऐड कर रही हूँ। नमक जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही ऐड करें। और फ्लेम को हम कर देंगे स्लो, और स्लो फ्लेम पर इसे हम दम पे रख देंगे। एक बार हल्का सा मिला दें नमक डालने के बाद।
करीब 2 से 3 मिनट के लिए इसे दम पे इसी तरह से रखा रहने दें। तो ये देखिए राइस को दम पे रखे हुए हो गए करीब 3 मिनट। आप देखें कितने अच्छे से पक गए, इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जो भी सॉस हमने ऐड किए थे उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, काफी टेस्टी बनते हैं। तो आप लोग इसे जरूर ट्राई करें। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और ऐड कर दें और मिक्स कर दें, इसकी भी बहुत अच्छी इसमें खुशबू आएगी। और अब इसे मिक्स कर दें एक बार और अब इसे मैं आपको सर्विंग डिश में निकाल के दिखाऊंगी। बहुत ही टेस्टी राइस बनते हैं, जरूर बनाएं इस राइस को आप, और बच्चों को तो ये खासकर ज्यादा पसंद आते हैं, उनके तो ये फेवरेट हो जाएंगे जब आप बनाएंगे। तो अब मैं आपको इसे सर्विंग डिश में निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए बनके तैयार है फ्राइड चिली राइस, बहुत ही टेस्टी बने हैं, काफी अच्छी इसमें से खुशबू भी आ रही है। तो आप लोग जल्दी से जाएं अपने किचन में और इसे बनाएं, और बनाने के बाद मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि ये आपको कैसे लगे। मैं लाती हूँ आपके लिए बहुत ही अलग अलग तरह की रेसिपीज, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मेरे वीडियोस को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए बनाती हूँ बहुत ही टेस्टी रेसिपीज़। तो एंजॉय करें फ्राइड चिली राइस विद शिबाज़ किचन। थैंक यू।